आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड फिश। इसको हमने जो ना फिश को अच्छे से धो लिया था, अब हमें हमारा काम ये है कि इस पर हमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से ये होता है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं स्पाइसेस उसके, वो सारे इसके अंदर चले जाएंगे, जिससे हमारी फिश और ज़्यादा, इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस होकर आएगा। ये खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे कट्स। हमने कट्स लगा लिए, तो हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट डाल रहे हैं और 1/4 टी स्पून हमने डाला है टर्मरिक पाउडर। और हाफ लेमन डालते हैं। इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल जिस पर लगा लेना है, इसके कट्स में भी लग जाना चाहिए। हम दूसरी साइड भी यही करेंगे। टर्मरिक डाल रहे हैं, थोड़ा सॉल्ट डाल रहे हैं और लेमन डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है और इस पर कट्स पर लगाना है अच्छे से। और इसके अंदर भी मतलब लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है इसके अंदर भी। तो हमने ये अच्छे से लगा लिया, हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है हमने हाफ कप कर्ड दही लिया है हमने, फ्रेश दही। और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ना इसमें पहले यूज़ करा था ना, इसलिए आप कम ही डालें थोड़ा, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ी टर्मरिक डाली है। वन टेबल स्पून डाला हमने रेड चिली पाउडर। वन टेबल स्पून डाला हमने धनिया पाउडर। वन टेबल स्पून हमने डाला है चाट मसाला। और 1/2 टीस्पून डाला है हमने गरम मसाला। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें। गाइस इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसमें, लेकिन इसको डालना मस्ट है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना ना भूलें, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मिस हो गया था थोड़ा। हमारा हो चुका है ये अच्छे से मिक्स, हम फिश पर लगा देंगे। अच्छे से फिश पर बिल्कुल कोट कर लेना है फिश को, अच्छे से मैरिनेशन से अंदर भी लगाना है मैरिनेशन। कट्स में भी लगाएंगे। अच्छे से चारों तरफ लगा लेना है। अब हम दूसरी साइड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है फिश को, कहीं से रह नहीं जाए बाकी, अच्छे से कोट कर लेना है।
हमने हमारी फिश हो चुकी है, तो हम इसको एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, अब हम इसको बेक करते हैं। हमने अवन को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर दिया था 200 डिग्री सेल्सियस पर। हमने अपनी फिश को रख दिया है, 10 टू 15 मिनट्स के लिए रखेंगे बेक पर और 250 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसको टर्न कर देंगे दूसरी तरफ से। बटर लगा रहे हैं इसमें पहले, तो अच्छे से बटर लगा लेना है। बटर से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसको साइड से टर्न कर दिया, इधर भी बटर लगा रहे हैं। फिर 15 मिनट के लिए हम इधर से बेक करेंगे इसको। पहले अच्छे से बटर लगा लेंगे। 15 मिनट के लिए हमें इसको इधर से बेक करना है, 10 टू 15 मिनट्स लगेंगे इसमें भी। देखिए हमारी फिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसमें डाला है, हमने लेमन डाला है ऊपर से, और ये चाट मसाला। और ये हम बटर डाल रहे हैं। और हमने ये चटनी, प्याज, इसको सब बटर